वैरायटी के छापे के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, गांधी मैदान में कांग्रेस की सभा हो रही है, कई विधायक और महापौर मौजूद हैं, आयकर भवन कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले कांग्रेसी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो कई विधायक और महापौर मौजूद हैं, आयकर भवन कार्यालय का घेराव करने के लिए कांग्रेसियों ने कूच कर दिया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की भी मौजूदगी है। तो रायपुर में आईटी के छापे जो पड़े हुए थे उसके विरोध में गांधी मैदान में सभा हुई और उसके बाद अब आयकर भवन कार्यालय का घेराव करने के लिए तमाम कांग्रेसियों ने कूच कर दिया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। तो चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीधे रायपुर से। ये मार्च, ये देखिए धरने पर बैठे हैं तमाम कांग्रेसी। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आप देख सकते हैं तमाम दिग्गजों की मौजूदगी, राज्यसभा सदस्य भी बैठी हुई हैं, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की भी मौजूदगी आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं सभा स्थल से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो आपको बता दें कि जिस तरह से आईटी ने छापा मारा है और आईटी के छापे के विरोध में कांग्रेस का ये प्रदर्शन, गांधी मैदान में ये कांग्रेस की सभा चल रही है और इसके बाद आपको बता दें सीधे आयकर भवन के कूच के लिए निकला जाएगा। कई विधायक, महापौर, राज्यसभा सदस्य, तमाम लोगों की प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी भी आप इस धरना स्थल पर देख सकते हैं। मोदी जी और अमित शाह का नाम साक्षात दिखाई देता है। आप जरा अनुभव करिए, जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने नारा दिया था, सस्ते दिन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा। कहां गया उनका वादा? कहां गया उनका वादा? हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं हेमंत शर्मा, जो ग्राउंड जीरो पर हैं। हेमंत, धरना के बारे में हमने तो सुबह से ही हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं और जो मंच से जिस तरह से संबोधित किया जा रहा है, तुम वादा तो बहुत करते हो और वादा करके भूल जाते हो, सीधे कांग्रेसियों का आरोप मोदी सरकार पर। देखिए रश्का, जिस तरीके से पिछले दो दिनों से छत्तीसगढ़ में आईटी की रेड पड़ी है और उसी के
विरोध में कांग्रेस का ये पूरा जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर हो रहा है। ये गांधी मैदान है और इसके ठीक पीछे कांग्रेस का पुराना भवन है और यहाँ पर सभा कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस को वो यहाँ पर मौजूद हैं। विशेष अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पर मौजूद हैं, विधायक धनेन्द्र साहू मौजूद हैं, इसके अलावा कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम विशेष अध्यक्ष मोहन मरकाम जी से बातचीत करना चाहेंगे। इस तरीके से दो दिनों तक आरटी की रेड पड़ी है, उसी के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन आप लोगों का हो रहा है, स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। हमने उपचुनाव जीता, नगरीय निकाय चुनाव जीता, पंचायत चुनाव जीता, आज भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। इसीलिए डर के मारे हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही, जबकि जब भी रेड पड़े हैं हमने कभी विरोध नहीं किया। पहले डीजीपी को, सीएस को, उसके साथ साथ उस जिले के पुलिस अधीक्षक को बताया जाता है। अभी पहली बार ऐसा हुआ है पूरे प्रदेश में हाहाकार मची हुई है, बिना सूचना दिए सीआरपीएफ के जवानों के साथ यहाँ छापे मारे जा रहे हैं, जबकि हमारे नेताओं, हमारे कार्यकर्ताओं, अधिकारियों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपके मंसूबे पूरा नहीं होंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं है। ये विशेष अध्यक्ष मोहन मरकाम थे जो लगातार आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। सवाल कीजिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से, हेमंत सवाल कीजिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से कि यही आरोप तो बीजेपी भी, राज्य में बीजेपी भी लगाती आ रही है कि भाई आप भी तो बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं, चुन चुन के जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन पे कार्रवाई की जा रही है, तो वो भी इसी तरह का आरोप लगा रहे हैं। सवाल का जवाब लीजिएगा, तब तक हम अपने दर्शकों को खबर से मुखातिब करा देते हैं एक बार फिर से कि किस तरह से यहाँ पर रायपुर में ये जो धरना प्रदर्शन पूरा चल रहा है, इसके बाद ही आयकर भवन का कूच किया जाएगा तमाम कांग्रेसियों के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से आईटी की जो रेट पड़ी है उसको लेकर, जो कांग्रेस में बौखलाहट है उसको लेकर ये तमाम